135 दिन बाद भिंड में पकड़े गए मंदिर चोर। जून में दबोह के मंदिर से 3 लाख की चोरी की थी। दरअसल इन चोरों के पीछे अमायन, नारौल और दबोह थाना समेत साइबर टीम मिलकर कार्रवाई कर रही थी, जिसने इन्हें इनके चुराए फोन को ट्रेस करके पकड़ा। आपको बता दें कि भिंड के एसपी मनोज सिंह ने बताया कि लगभग सारा चोरी किया गया सामान, घंटियां, सोने चांदी के जेवर जब्त कर लिए गए हैं। साइबर सेल प्रभारी शिव प्रताप सिंह रजावत ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें और भी चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। ये रावतपुरा और दबोह की लगभग 5 चोरियों का खुलासा किया गया है। इसमें रावतपुरा थाना पुलिस, दबोह और अमायन थाना प्रभारी द्वारा साइबर टीम के साथ मिलकर इसमें 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 5 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया गया है। ये जून में रूअर सरकार मंदिर में दबोह में मंदिर से चोरी हुई थी, जिसमें मंदिर के घंटे, भगवान के मुकुट एवं छत्र चोरी किए गए थे इन चोरों के द्वारा, जो पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ जारी है, अन्य चोरियों का खुलासा होने की भी संभावना है। और साइबर की मदद से कुछ हेल्प हमने अमायन थाने के लिए, अमायन में भी कुछ चोरियाँ इन्होंने की थी। इसके अलावा रावतपुरा की 3 चोरियाँ हैं, दबोह थाने की मंदिर की चोरी, ये बड़ी चोरियाँ थी और ये लगातार मई से यहाँ पर वारदातें कर रहे थे। तो साइबर की मदद से फिर हमें सफलता मिली और हमने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। मैं माल के माल उनसे बरामद हो गया सारा का सारा। लगभग कितने पैसे का माल बरामद हुआ? और ये तीनों चारों चोरियाँ मिला के करीब 4.5-5 लाख रुपये का सामान हमने जब्त किया है टोटल, जिसमें जेवर हैं, गहने हैं, मंदिर का सामान भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल के घंटे हैं, सभी कुछ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है और अब तक 5 चोरी सामने आई है। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।